आप सब खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि जो मैनुअल गाड़ी है, जो मैनुअल कार है, उसको कैसे चलाते हैं। तो उसका हम पूरे तरीक़ेकार आपको बता देंगे। तो व्यूअर्स, हम आपको बताएंगे सबसे पहले आपने क्या करना है। तो आज ही हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने, आपके पास अगर रिमोट हो तो आपने रिमोट से गाड़ी को खोलना है। ये हमारा लॉक हो गया, या चाबी भी आप डाल सकते हैं। ऐसे यूँ घुमाते हैं चाबी को, यूँ उल्टे की जाने के नहीं, यूँ, यानी आपकी गाड़ी अनलॉक हो गई। ये इस तरह आप गाड़ी को अनलॉक किया, फिर आप बैठेंगे अपनी गाड़ी कार में। फिर सबसे पहले आपने चाबी डालना है, ये इस जगह पे लगते हैं चाबी। ये आपने चाबी डाल दी। फिर अगर आपकी गाड़ी मैनुअल हो, बाज़ में डायरेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, बाज़ गाड़ियों में स्टार्ट करना जो है, जब तक क्लच आप ना दबाएं तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह का लाइट जलेगी पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी जब तक आप क्लच ना दबाएं। तो आपने क्या करना है व्यूअर्स, अगर जैसे कि मैं गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे अक्सर चढ़ाई उतराई इस तरह की चीज़ें होती है। तो अपने ब्रेक पे पांव रखना है। जैसे कि अभी मैं इधर बैठा हूँ, यहाँ उतराई है, तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। देखिए व्यूअर्स, आपने सबसे पहले क्या करना है, गियर को आपने न्यूट्रल करना है, आपकी गाड़ी न्यूट्रल हो, यानी दरमियान में हो। ठीक है व्यूअर्स, फिर आपने क्या करना है व्यूअर्स, क्लच दबाना है। क्लच आपने दबाना है व्यूअर्स, फिर उसके बाद आपने अपने गाड़ी की सलफ मारना है। ये लाइट पहले भी आ रही थी, अब भी आ गई देख, लेकिन जब तक, जब मैं क्लच छोड़ूंगा ना तो स्टार्ट नहीं होगी गाड़ी। आप देख सकते हैं जब मैं दबाऊंगा क्लच तो ये गाड़ी अभी स्टार्ट हो जाएगी। आवाज़ आप सुन सकते हैं व्यूअर्स। उसके बाद आपने क्या करना है, क्लच को छोड़ना है। जैसे कि मैंने क्लच को छोड़ दिया, हैंड ब्रेक आपकी खींची होनी चाहिए। अच्छा व्यूअर्स, ये जो दो चीज़ें हम देख रहे हैं, ये जो सीवी है, ये मीटर की सीवी है, अपना टेम्परेचर की है, ये आपका फ्यूल की है, ये आपका स्पीड मीटर, ये आपका आरपीएम। थैंक यू, आज के लिए इतना। कल हम कोई नई वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।